नीतीश कुमार जी की सादगी और नीतीश कुमार की कार्य पद्धति पर पूरा देश अभिमान करता है कि ऐसा नेता न कभी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है न भविष्य में कोई पैदा लेगा। लेकिन आप सब लोगों से अपील करेंगे कि सब लोग एक बार जिन्होंने मुस्कान आपके चेहरे में नौकरियां आपको देने का काम किया है बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, उनके लिए खड़े होकर के एक बार जोरदार ताली बजाने का काम कीजिए। प्रतिपक्ष से कहेंगे कि आप और आरजेडी के लोगों से कि आप अपनी राजनीति करिए, कीचड़ इधर मत फेंकिए, क्योंकि कीचड़ में आप खुद पूरी तरह से डूबे हुए। तेजस्वी यादव जी ने अपने भ्रमण के दौरान कहा था कि माननीय नेता नीतीश कुमार दो दो बार हमारे पास गिड़गिड़ाने के लिए आए, और हमारे पास वो वीडियो है जिसके माध्यम से हम लोगों को ये दिखा सकते हैं कैसे नीतीश जी हमारे पास गिड़गिड़ा रहे थे। जब कल मैं जनता दरबार में गया था अपनी पार्टी के दफ्तर में, तो लोगों ने, पत्रकारों ने इस बात का प्रश्न किया, तो मैंने कहा कि अगर आरजेडी के पास ऐसा कोई वीडियो है उसको आरजेडी सार्वजनिक करे। और उसके बाद लगभग 3-4 बजे के आसपास माननीय प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी श्री जगदानंद सिंह, वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, उन्होंने वीडियो जारी किया और उन्होंने बाय नेम कि अशोक चौधरी जी ने सार्वजनिक कहने का आग्रह किया था, इसीलिए हम इस वीडियो को सार्वजनिक कर रहे हैं। उस वीडियो को देखने से ये लगता है कि माननीय नेता माइक को दोनों हाथ से पकड़े हुए थे। बहुत से लोग माइक को एक हाथ से पकड़ते हैं, बहुत से लोग माइक को दोनों हाथ से पकड़ते हैं, और राबड़ी देवी जी के तरफ उन्होंने वो आग्रह कर रहे थे। आरजेडी के लोगों को आग्रह और गिड़गिड़ाने में शब्द का शायद पर्यायवाची नहीं पता है। आग्रह का पर्यायवाची गिड़गिड़ाना नहीं होता है, दो हिंदी के शब्दकोश में अलग अलग शब्द हैं। लेकिन इनकी धारणा सिर्फ और सिर्फ माननीय नेता ने को नीचा दिखाना, और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को जो बूथ पर चाय दुकान पर नीतीश जी की बात करते हैं उनके मनोबल को गिराना और झूठी बात का प्रचार करना, क्योंकि ये आरजेडी के द्वारा वीडियो गेम शुरू किया गया है नीतीश जी के बारे में वीडियो जारी करके। तो कुछ वीडियो हम आज आपको जारी कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे लालू प्रसाद यादव जी ने खुद कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश जी की क्या भूमिका है। तेजस्वी जी हर जगह कहते हैं कि नौकरी हमने दिलाया, तेजस्वी जी खुद क्या कहते हैं नौकरी के बारे में, और तीसरा कि कैसे लालू जी ये कह रहे हैं कि सबसे पहले नीतीश जी को हमने फ़ोन किया था। ये तीन वीडियो हम जारी कर रहे हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं को के मनोबल को ताकत देगा, और जो हमारे गरीब दलित अति पिछड़ा के जो लोग जो नीतीश जी के झंडे को मजबूती से इस प्रदेश में लहराने का काम कर रहे हैं इन 18-19 वर्षों में, उनका मनोबल बढ़ा रहे। हम आरजेडी ने क्या कहा नहीं कहा उससे ज़्यादा मेरे लिए ये महत्व रखता है कि हमारे जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको इन सब चीज़ों की जानकारी रहे। तो हम वो तीन वीडियो आप लोगों को जारी कर रहे हैं। पहला वीडियो जो कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी ने जो जारी किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम गिड़गिड़ा रहे थे, हमारे नेता गिड़गिड़ा रहे थे, जिसको हमने सार्वजनिक करने का आग्रह किया था, उस वीडियो में कहीं भी नेता हमारे गिड़गिड़ाते नजर नहीं आए। लेकिन लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं नीतीश जी के बारे में सुनिए। नीतीश कुमार को हमने फोन किया कि भाई देखे नहीं थे इस रिजल्ट क्या हुआ बताओ, उसके पहले हम बातचीत नहीं करते थे, ये बात सच है। आपने पहले फोन किया? हाँ फोन किया,
अब तो देखो ना, ये निकाल के रिजल्ट तो देख भाई क्या हो गया। तो नीतीश को भी झटका लगा, ये स्वीकार किया, क्योंकि बहुत बुरा हो गया ये सब बात, हमारे बंटवारे का देखो लाभ ले लिया। अरे जो मुस्कान, जो खुशियां आपके चेहरे पर है, वही मुस्कान उन बच्चों के चेहरे पे भी आना चाहिए। लेकिन आप सब लोगों से अपील करेंगे कि सब लोग एक बार, जिन्होंने मुस्कान आपके चेहरे में, नौकरियां आपको देने का काम किया है बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, उनके लिए खड़े होकर के एक बार जोरदार ताली बजाने का काम कीजिए, धन्यवाद करने का काम कीजिए। ये सब चाहते थे कि कस्तूरी जी के जगह पर उन लोगों को स्थान मिले, लेकिन नीतीश कुमार ने उनका काफी योगदान और सहयोग मिला, और मेरे पक्ष में खड़ा होकर के नीतीश कुमार ने नेता के रूप में। लालू प्रसाद यादव जी के राजनीतिक के शुरुआती कार्यकाल में, जिसके बारे में नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं तो वो गिड़गिड़ाए, खुद उनके पिताजी कह रहे हैं कि कैसे उनको नेता विपक्ष बनाने में नीतीश कुमार ने भूमिका का निर्वहन किया। बेरोजगारी पर जो कह रहे हैं कि हमने आने के बाद रोजगार दिया, खुद नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री रहते हुए गांधी मैदान से शिक्षकों को क्या कहा, और तीसरा खुद लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने नीतीश जी को फ़ोन किया, नीतीश जी को हमारे पास नहीं आए, पहले मैंने ही नीतीश जी को फ़ोन किया। ये 2015 की पहले की बात है। तो जो सत्यता है, हमारे नेता तो बिहार के जनता के विकास के लिए रहते हैं और उसके लिए चिंतित रहते हैं, और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी इस प्रदेश में विकास का है। जो प्रदेश 22,000 करोड़ का प्रदेश मिला था माननीय नेता को, 118 नरसंहार का बिहार, 22,000 करोड़ के बजट का बिहार, दो दो जेल ब्रेक का बिहार, पूरी तरह से मध्य बिहार लहूलुहान, पूरा प्रदेश धार्मिक उन्माद में फंसा हुआ, वैसी परिस्थिति का बिहार नीतीश कुमार को मिला था। आज जो बच्चे हमारे 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, शायद उनको नहीं पता था कि ये बिहार कैसा था। जो लोग, बड़े बड़े लोग आज क्लेम कर रहे हैं कि हमने बिहार जो है उतनी गति से आगे नहीं बढ़ा, और गति से आगे बढ़ सकता था, उनको पता नहीं है कि किस विषम परिस्थितियों का ये बिहार था, जहाँ जातीय उन्माद अपनी चरम पर था, जहाँ धार्मिक उन्माद अपने चरम पर था, कोई ऐसा ईद और बकरीद नहीं होता था जहाँ जातीय उन्माद नहीं होता था। और आज 18 साल के नीतीश कुमार के कार्यकाल में एक भी धार्मिक उन्माद की कोई घटना, एक बार सिर्फ 24 घंटे का 144 लगा था नवादा में, 18 साल में एक जगह भी प्रदेश में कोई नहीं कह सकता है कि धार्मिक उन्माद हुए। रात रात भर नीतीश कुमार जग करके, धार्मिक जब पर्व होता है तो जग करके पक्ष और विपक्ष सभी के नेताओं को फोन करते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारे प्रदेश में शांति बहाल रहे। सबसे पहले इस प्रदेश में RJD के शासनकाल में अपराधियों के द्वारा रंगदारी मांगना और इस प्रदेश में अगवा करने का शुरुआत उन्हीं के शासनकाल में हुआ था, और राजनीतिक संपोषित, राजनीतिक संरक्षण में ये अपराध हुआ करते थे। जो लोग अपना पास्ट नहीं देखते हैं वो नीतीश कुमार पर उंगली उठाने का काम करते हैं रोज के रोज, लॉ एंड ऑर्डर पर। आपने क्या किया नीतीश कुमार के ऊपर? एक भी नीतीश कुमार जी के ईमानदारी, नीतीश कुमार जी की सादगी और नीतीश कुमार की कार्य पद्धति पर पूरा देश अभिमान करता है कि ऐसा नेता न कभी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, न भविष्य में कोई पैदा लेगा। इसीलिए हम नेता प्रतिपक्ष से कहेंगे कि आप और RJD के लोगों से कि आप अपनी राजनीति करिए, कीचड़ इधर मत फेंकिए, क्योंकि कीचड़ में आप खुद पूरी तरह से डूबे हुए हैं।